भाजपा का स्थापना दिवस कल उत्साह से मनाया जाएगा और पीएम नरेंद्र मोदी का उद्बोधन सभी कार्यकर्ताओं को जोश से भरेगा। यह जानकारी भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दी। इसके साथ ही कानपुर के कव्वाल परवेश सराफ को गिरफ्तार करने की भी गृह मंत्री ने जानकारी दी। इसके साथ ही गृह मंत्री ने कमलनाथ पर भी सभी पदों पर काबिज रहने का आरोप लगाते हुए उम्र पर तंज किया है। वहीं गृह मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए परिवार की पार्टी बताया और मुस्लिमों से केवल वोट लेने तक का ही रिश्ता होने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और सभी कार्यकर्ता उसे बड़े उत्साह से मनाता है और प्रधानमंत्री का कोई भी उद्बोधन हो पूरा देश मनोयोग से सुनता है और इसलिए हम सब आतुर हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्थापना दिवस जो संबोधन होगा भारतीय जनता पार्टी के सफर का जिक्र होगा। मैंने उसी दिन कहा था कि हमने केस रजिस्टर कर दिया है, पुलिस पार्टी कानपुर चली गई है, पर वो वहां से कहीं और चले गए थे, घर पर आए हैं तो उनको पुलिस रीवा ले आई है और गिरफ्तार हो गए, जेल चले गए। संन्यास की उम्र में सहरा बांध दिया उनको। अब आप देखो, पूर्व मुख्यमंत्री वही है, कांग्रेस के अध्यक्ष वही है, नेता प्रतिपक्ष वही है और भावी मुख्यमंत्री भी कांग्रेस की ओर से वही है। जब चुनाव होगा तब कमलनाथ जी माननीय 77 साल के होंगे। इससे आपको कांग्रेस का भविष्य समझ में आएगा कि किसके नेतृत्व में सड़क पर लड़ने का संकल्प लिया जा रहा है। परंपरा कोई नई नहीं है, ये वो परिवारवाद की पोषक पार्टी है, वो पार्टी नहीं है, परिवार है। पार्टी तो बाकी आप और भी देखेंगे तो सब परिवार वाली है, सिर्फ पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। यहां अगला अध्यक्ष कौन होगा कभी पता नहीं रहता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव आज